रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अहदीस का तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर है 94। पेज नंबर 94, हदीस नंबर है 1, इखलास की अहमियत। टीचर ये तो हम पढ़ चुके हैं। इखलास की अहमियत हो गया हमारा? यस टीचर, हो गया जी। कितनी हदीस हो गई है? जो शर्मो है आदि हो गया, बस ये दो ही जी। इसके क्वेश्चंस मार्क हो गए थे? यस, बुक वर्क आपने होमवर्क दिया था। ठीक है। और टीचर मैंने आपसे एक बात कहनी है। हदीस नंबर 3 हो गई हमारी? नो टीचर, और इसके साथ हमने मसनून दुआएं की थी। ठीक है टीचर, मैंने आपसे एक बात करनी है। जी फातमा, जी फातमा। टीचर एक चैप्टर वो जो नहीं था अस्माए हुस्ना में से अल्फताहु से अगला वाला, तो टीचर उसमें आपने एक सिक्स लॉन्ग नहीं करवाया हुआ, और वो मैंने खुद ही से कर लिया था। और टीचर फातमा बेटे क्वेश्चन बोले, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ वो अल्फताहु से? टीचर अभी मेरे पास फिलहाल कॉपी मैं नहीं है। हूँ चंद ऐसी नेकियां लिखे जो इंसान को अल्लाह ताला की रहमत का मुस्तहिक बना देती हैं। टीचर अल्फताहु से अगला वाला चैप्टर, अल्फताहु से अगला अलबर्रु से, अलबर्रु अलबाइसु। यस यस, ये वाला चैप्टर। अच्छा, इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कुरान करीम में से तलाश करके ऐसी 3 आयतें लिखे जिसमें लफ्ज़ आया हो। नहीं टीचर, चले बस इसमें से एक क्वेश्चन ही करवाया, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने नहीं इसके वो हमें सेंड किए थे, वो मैंने खुद ही से कर लिए हैं। बस यही आपको बताना था। ये आपको पीडीएफ में जो काम आया था ना, पीडीएफ फाइल में, यस ये आपने आम पिक्चर सेंड की थी जी। चले चले, ये मैं जब दोबारा पीछे जाऊंगी ना अहादीस और इनके बाद, तो फिर आपको करवाऊंगी। ठीक है, यस। अब आज हमने खुद से कर लिया है। चले ठीक है, गुड। आज हम करेंगे अंधेरे में मस्जिद जाने की फजीलत, और उसके बाद है माल खर्च करने का तरीका। पेज नंबर है ये 97। इसके अलावा जो पेज नंबर 96 पे बुक वर्क मैंने कहा था कि आपने करना है, जो ब्लैंक्स थी वो आप सबने कर ली है ब्लैंक्स? यस यस जी। हुनैन बेटे आपने किए? उमायमा आपने बच्चे? यस। हुनैन बेटे आप आंसर नहीं कर रहे हो, आपने नहीं किया हुआ इसका मतलब ये काम? टीचर मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने वो वाली क्लास अटेंड नहीं की थी इसलिए, लेकिन बेटे आप क्लास अटेंड क्यों नहीं करते? 2 डेज तो होते हैं सिर्फ क्लास के, तो वो भी आप नहीं अटेंड करते हैं? आप 2 दिन सिर्फ क्लास होती है, आप दोनों दिन क्लास अटेंड किया करें सब लोग। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन किया किसी ने भी इसको। बहरहाल जो आए हैं वो तो काम करेंगे इंशाल्लाह। पेज नंबर है 97, हदीस नंबर है 3, अंधेरे में मस्जिद जाने की फजीलत। जी ईमान बेटे इसकी रीडिंग करें। ओके, अंधेरे में मस्जिद जाने की फजीलत। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशिर المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام بالنور التام يوم القيامة। तर्जुमा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जो बंदे अंधेरों में मस्जिद को जाते हैं उनको खुशखबरी सुनाओ कि उनके इस अमल के सिले में क़यामत के दिन उनको अल्लाह ताला की तरफ से नूरे कामिल अता होगा।
तशरीफ, रात के अंधेरों में जमात की नमाज के लिए पाबंदी से मस्जिद जाना बड़ा मुजाहिदा और अल्लाह ताला के साथ सच्ची मोहब्बत की अलामत है। ऐसे लोग खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह ताला अंधेरी रातों में पाबंदी से मस्जिद जाने की तौफीक दे, जिसके सिले में उन्हें क़यामत के अंधेरों में नूर कामिल अता फरमाया जाएगा। जी उमाइमा, आप नेक्स्ट वाली पढ़ें। माल खर्च करने का तरीका। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أنت بذل الخير خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدا بما تقول। तर्जुमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदो, अल्लाह की मदी हुई दौलत जो अपनी ज़रूरत से फाजिल हो, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देना तुम्हारे लिए बेहतर है और इसका रोकना तुम्हारे लिए बुरा है, और हाँ, गुजारे के बकदर रह रखने पर कोई मलामत नहीं, और सबसे पहले इन पर खर्च करो जिनकी तुम पर जिम्मेदारी है। तशरीह, इस हदीस में तीन बातें बतलाई गई हैं। एक, आदमी के लिए बेहतर है कि जो माल और दौलत वो कमाए या किसी और जरिए से इसे मिले, इसमें अपनी ज़रूरत का रख कर बाकी अल्लाह ताला की राह में इस के बंदे पर खर्च कर दे। नंबर दो, अपने गुजारे के बकदर माल रख लेने में कोई गुनाह की बात नहीं है। नंबर तीन, आदमी के माल में पहला हक उनके लोगों का है जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उस पर डाली है, मसलन उसके घर वाले और हाजतमंद करीबी रिश्तेदार वगैरह, दिल में बिठा लेने की बात। और लोग आपसे जो पूछते हैं कि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें, आप कह दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम तुम्हारे लिए साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। जी फातिमा। यस बेटी, आपने हैंड रेज किया हुआ था। यस टीचर, वो मुझे ना मिल गया पेज नंबर 36 पे। चलो ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस तरह है कि इन दो अहदीस के पहले क्वेश्चंस मार्क कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, अंधेरे में मस्जिद जाने की फजीलत किन दो नमाजों के लिए है? जी, अंधेरे में मस्जिद जाने की फजीलत किन दो नमाजों के लिए है? तो इसमें अंधेरे में जो दो नमाजें आती हैं, एक तो वो इशा है और दूसरी फजर है। ठीक है, तहज्जुद की नमाज भी आएगी, लेकिन अभी फजर की नमाज, नमाजों का जिक्र हो रहा है ना। तहज्जुद तो नफली इबादत है। ठीक है, ठीक। उसके बाद है, रात के अंधेरे में मस्जिद जाना किस बात की इलामत है? पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 पर तशरीह जो है, तशरीह, रात के अंधेरों में जमात की नमाज के लिए पाबंदी से मस्जिद जाना, यहां से लेकर रात के अंधेरों में जमात की नमाज के लिए यहाँ से लेकर सच्ची मोहब्बत की इलामत है। यहाँ तक रात के अंधेरों से लेकर सच्ची मोहब्बत की इलामत है, यहाँ तक सवाल नंबर दो का जवाब है। सवाल नंबर तीन है, जो दौलत अपनी जरूरत से जायद हो, इसे क्या करना चाहिए? इसके सामने इसका जवाब लिखें पेंसिल के साथ। जो दौलत जरूरत से जायद हो, जो दौलत जरूरत से जायद हो, इसे अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देना चाहिए।
जो दौलत जरूरत से जायद हो इसे अल्लाह ताला की राह में इसके बंदों पर खर्च कर देना चाहिए। जो दौलत जरूरत से जायद हो इसे अल्लाह ताला के बंदों अल्लाह ताला की राह में इसके बंदों पर खर्च कर देना चाहिए। जी लास्ट क्वेश्चन है, आदमी के माल में पहला हक किन का है? आदमी के माल में पहला हक किन का है? जवाब है इसका पेज नंबर 98 पर। पेज नंबर 98, पेज नंबर 98, इसका लास्ट पॉइंट जो है थर्ड वाला, इस पेज का लास्ट पॉइंट थर्ड वाला जो है, आदमी के माल में पहला हक इन लोगों का है जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इस पर डाली है, मसलन इसके घर वाले और हाजतमंद करीबी रिश्तेदार वगैरह। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है खाली जगह पूर करें। खाली जगह पूर करें, इसकी पहली ब्लैंक में आएगा, पहली ब्लैंक में आएगा इलल मसाजिदी। पहली ब्लैंक में आएगा इलल मसाजिदी। उसके बाद वाली ब्लैंक में कुछ नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर दें। और लास्ट पे आएगा कयामती, यौमल कयामती। ठीक है, बे वाली में आएगा, बे की फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मस्जिद, और इसके सेकंड पार्ट में आएगा कामिल। मस्जिद और कामिल, ठीक है। जीम वाली में आएगा आदमी के लिए बेहतर ये है कि जो मालो दौलत, क्या आएगा? दौलत। उसके बाद वाली ब्लैंक में आएगा जरूरत। दौलत के बाद आएगा जरूरत। दौलत के बाद आएगा जरूरत और फिर आएगा बंदों पर खर्च कर दे। ठीक है, बंदों पर खर्च कर दे। उसके बाद वाली ब्लैंक है दाल वाली, इसमें आएगा गुनाह। उसके बाद है अरबी टेक्स्ट, इसमें आएगा खैरुल लका, खैरुल लका। पहले आएगा खैरुल लका, फिर आएगा तुलामु, तुलामु, और लास्ट में आएगा ताउलू, लास्ट में आएगा ताउलू। मैं रिपीट कर रही हूं, फर्स्ट वाली में इसमें आएगा खैरुल लका, सेकंड में तुलामू,
सेकंड में आएगा तुलामु और फिर आएगा ताउलू। पेज नंबर 98 पर अगर आप देखें तो एक जुमले के दो हिस्सों को अलग अलग लिख दिया गया है, आपने इन्हें मिलाकर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला है, रात के अंधेरों में जमात की नमाज के लिए पाबंदी से मस्जिद जाना। अब इसका दूसरा हिस्सा आपने बाकी लाइंस में से ढूंढना है और इसको मुकम्मल फिकरा बना के पॉइंट वन के साथ कॉपी में लिखना है। इसका दूसरा हिस्सा कौन सा बनता है? जी, अल्लाह ताला के साथ इसका दूसरा हिस्सा है पाबंदी से मस्जिद जाना, बड़ा मुजाहिदा और अल्लाह ताला के साथ सच्ची मोहब्बत की इलामत है। ठीक है, इस तरह से बाकी भी आपने जो है वो एक एक जुमला बनाना है। दो एक जुमले को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया गया है, आपने उन दोनों को जोड़ के और फिर इसको लिखना है। ठीक हो गया जी ईमान? नो टीचर, वो मैंने आंसर बता रहा था इसलिए हाईरेस किया हुआ था। ठीक है ठीक है, चलें अब है पेज नंबर 99। इसमें है लास्ट क्वेश्चन, कुरान करीम में से तलाश करके ऐसी तीन आयात का तर्जमा लिखें जिनमें नमाज पढ़ने और जकात अदा करने का हुक्म एक साथ दिया गया है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन तीन आयात को ढूंढना है कुरान पाक में से, तर्जमे वाले कुरान पाक में से, उसका सिर्फ तर्जमा आपने कॉपी पे लिखना है। आप पहले उसको रफ कॉपी पे लिखेंगे फिर उसको नीट पे करेंगे। ठीक हो गया, अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने नींद में डर जाने वाली दुआ और हर तरह की आफियत मांगने वाली दुआ हम ये काम कर चुके हैं, इसका बुक वर्क भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका बुक वर्क कर चुके हैं हम लोग, आज हम इसका करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सबक नंबर होगा ये 6, सबक नंबर 6 हदीस, सॉरी दुआ नंबर है ये 3, सफा नंबर है 110। ठीक है, नेमतों के छिन जाने की दुआ, नेमतों के छिन जाने से बचने की दुआ, पेज नंबर 110 पर है ये। जी फातमा जी बेटे। यस टीचर, मैंने रीडिंग के लिए हैंड रेस किया। जी करें बेटा। सबक नंबर 6, नेमतों की छिन जाने से बचने की दुआ। اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے سے اور تیری بخشی ہوئی عافیت کے چلے جانے اور تیرے عذاب کے ناگہانی آ جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی اور ناخوشی سے. جی تشریح: دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی اور کوئی حاجت اور ضرورت ایسی نہیں ہے جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ने अल्लाह ताला से ना मांगी हो और अपनी उम्मत को ना सिखाई हो। इसी तरह दुनिया और आखरत की कोई खराबी, कोई परेशानी या आफत ऐसी नहीं जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की पनाह ना मांगी हो और उम्मत को ना सिखाई हो। इस दुआ में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों और आफियतों के छिन जाने से अल्लाह ताला की पनाह मांगना। जी फातिमा, चले मैं पढ़ देती हूँ। इस दुआ में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों और आफियतों के छिन जाने से अल्लाह ताला की पनाह मांगना हम सबको सिखाया है। हम सबको इसके पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। जी, दुआ नंबर 4 है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, ये आप पढ़े ईमान। जी ईमान, आप पढ़े बेटे। سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ترجمة: اے اللہ تو ہی میرا رب یعنی مالک و مولا ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تم نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا، میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ عاجز و ناتواں سے ہو سکے گا تیرے ساتھ کیے ہوئے ایمانی عہد و میثاق اور اطاعت و فرما برداری کے وعدے پر قائم رہوں گا، تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار کے شر سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کی اور گناہ کیے، اے میرے مالک و مولا تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی، تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس استغفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار بتایا ہے اور اس کی غیر معمولی فضیلت بیان کی ہے۔ تمام بچے اور بچیاں سید الاستغفار زبانی یاد کر لیں اور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھنے کی بات: جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ جی، پہلی جو ہم نے دعا پڑھی تھی وہ یہ ہے کہ نعمتوں کے چھن جانے سے بچنے کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، ہم وقتاً فوقتاً نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور ان نعمتوں کے چھن جانے سے یعنی کہ یہ نعمتیں ہم سے لی نہ جائیں کہیں، اس سے بچنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھا دی ہے۔ اور اس دعا کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھینی جائیں گی، کبھی بھی نہیں لی جا سکتی، اور ان کی سب سے پڑھ کے اللہ کا شکر ادا ہوتا رہے گا ان نعمتوں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری دعا ہے وہ ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار ہم کرتے رہتے ہیں، سارا دن میں استغفار پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دعا ہے استغفر اللہ، پھر ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح سے وہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن اس دعا کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار بولا ہے، یعنی کہ استغفار کا سردار۔ تو اس کے کلمات جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تمام دن میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور معافی کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری جو ہے وہ بخشش کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اس دعا کا اہتمام کرے گا، اس دعا کو پڑھے گا، دن میں پڑھے گا، اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے یعنی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے
तो फिर वो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर रात के किसी पहर में पड़ी और रात के वक्त उसकी जान निकल गई तो फिर बिला शुबा वो जन्नत में जाएगा, इसकी कोई शक नहीं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, फिर वो सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसने अपनी कुताहियों पर, अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला के हुजूर माफी मांग ली है। ठीक है, अब सवाल है, नेमतों के छिन जाने से बचने की दुआ में अल्लाह ताला से जिन चीजों की पनाह मांगी गई है वो नंबर डालकर लिखें। जी, नेमतों के छिन जाने से बचने की दुआ में नंबरिंग करनी है अब आपने, तो पहला नंबर बनता है, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी नेमतों के जायल हो जाने से, नंबर एक। नंबर दो बनता है, तेरी बख्शी हुई आफियत के चले जाने से। नंबर तीन है, तेरे आजाब के नागहानी आ जाने से। और नंबर चार है, तेरी हर किस्म की नाराजगी और नाखुशी से। ठीक है, ये चार पॉइंट्स बनते हैं इसके, कि अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी नियमतों के जायल हो जाने से, यानी कि उनके खत्म हो जाने से, उनके जाया हो जाने से, और तेरी, नंबर दो बनते हैं, तेरी बख्शी हुई आफियत के चले जाने से, और नंबर तीन है, तेरे आजाब के नागहानी आ जाने से, कि अचानक तेरा आजाब ना कहीं से आ जाए तो मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ। नंबर चार है कि अल्लाह जो आपने हमें नेमतें दी हैं हम इसमें कहीं कोई झोल कर दें तो हमें डर है कि तू कहीं नाराज ना हो जाए, तू हमसे कहीं नाखुश ना हो जाए, तो मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं हर वक्त उससे राजी रहूं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर दो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या सिखाया है, तो इसका तर्जुमा, इसका आंसर है 110 पेज पर, सेकंड स्टार, 110 पेज का सेकंड स्टार, इस दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों और आफियतों के छिन जाने से अल्लाह ताला की पनाह मांगना हम सबको सिखाया है। ठीक है, इस दुआ में रसूलुल्लाह, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसका जवाब, पेज नंबर 110 पर सेकंड स्टार, इस दुआ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों और आफियतों के छिन जाने से अल्लाह ताला की पनाह मांगना हम सबको सिखाया है। उसके बाद सैयदुल इस्तिगफार पढ़ने की फजीलत लिखें, इसको पढ़ने की क्या फजीलत है? इसका जवाब मैं लिखवाती हूँ, आप पेंसिल पकड़ लें। जी, मैं लिखवा रही हूँ इसका जवाब। जी फातिमा, जी बच्चे, टीचर मैं कह रही थी मैं आपको इसका आंसर बताऊं। जी बताएं। टीचर ये पेज 111 पे ये लास्ट आ रहा है, इसमें लिखा है इस इस्तिगफार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिगफार यानी इस्तिगफार का सरदार बताया है और इसकी गैर मामूली फजीलत बयान की है। अब इसकी गैर मामूली फजीलत क्या है वो बताना है ना हमने, तो वो क्या है वो बताएं कि ओके। जी, ऊपर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है ना, वो क्या थी वो? बड़े ज्यादा तशरीह में वो क्या था, उसमें क्या लिखा था? टीचर, जिस बंदे ने इखलास और दिल के यकीन के साथ दिन के किसी हिस्से में अल्लाह ताला के हुजूर में ये अर्ज किया, तो इसको इसको हमने अपने वर्डिंग में सबमिट इसको करना है, हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, कि इसकी गैर मामूली फजीलत इसलिए है कि अगर हम इस दुआ को दिन में पढ़े या रात के किसी भी हिस्से में पढ़े और हमें अचानक से मौत आ जाए, हमें मौत आ जाए, तो हम क्या है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह देंगे, जन्नत में जाएगा वो शख्स जो भी इसको पढ़ेगा,
तो इसको अब आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? yes. चाहे तो इस हदीस को एज इट इज लिख लें और फिर नीचे तक ले आए इसका जवाब कि इसको गैर मामूली फजीलत बयान की गई है यहाँ तक, तशरीह से लेके यहाँ तक, ठीक है? yes. और चाहे तो इसको अपने लफ्जों में बयान करें आप, लेकिन अगर आप हदीस के साथ इसको लिखते हैं तो देट वुड बी मोर बेटर. अब लास्ट क्वेश्चन है कि सबक में दी गई दोनों दुआएं खुशखत लिखकर अपनी क्लास और घर में नुमाया जगह पर लगाएं. उसके बाद है सवाल नंबर दो, खाली जगह पूर करें. तो पहली ब्लैंक है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नियमतिका, ठीक है? पहली ब्लैंक में आएगा नियमतिका. उसके बाद आफियतिका, आफियतिका. फिर आएगा निकमतिका, ठीक है? फिर आएगा निकमतिका. फिर सखातिका. उसके बाद बे वाली ब्लैंक्स में आएगा ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी नेमतों के जायल हो जाने से, नेमतों के. तर्जमा देखें और ये ब्लैंक को फिल करें, ये बहुत आसान है. नेमतों के जायल हो जाने से, बख्शी हुई आफियत, आफियत के चले जाने से, और तेरे अजाब के नागहानी आ जाने से, और हर किस्म की नाराजगी और हर किस्म की नाराजगी और नाखुशी से, ठीक है? उसके बाद है दुनिया और आखिरत की कोई खैर और डैश भलाई, खैर और भलाई और कोई हाजत और जरूरत, ठीक है? भलाई, फिर आएगा जरूरत. ऐसी नहीं है जिसकी दुआ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ना मांगी हो और अपनी डैश को ना सिखाई हो, उम्मत को ना सिखाई हो. उसके बाद चौथी हदीस है, ये चौथी दुआ है. इसका इसके अरबी टेक्स्ट में है. सबसे पहले आएगा खलक तनी आंता खलक तनी. आहदिका सेकंड वाली में आएगा, अला आहदिका. सनातु, फिर आएगा सनातु. फिर आएगा बिजम्बी, फिर आएगा बिजम्बी, ठीक है? बिजम्बी जी. अब है इसका तर्जुमा, ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद. क्या आएगा इसमें? मालिको माबूद, तेरे सिवा कोई मालिक, फिर माबूद नहीं. मालिक माबूद, तू ही ने मुझे पैदा फरमाया, पैदा फरमाया और वजूद बख्शा. ऐ मेरे मालिक और मौला तू मुझे मुआफ फरमा दे और मेरे गुनाह बख्श दे. ओके okay.
वी हैव डन दिस चैप्टर. अब हमने क्या करना है कि इन दुआओं को और इनका तर्जमा याद करना है. ठीक है, तो एक दिन रखेंगे जिसमें मैं आपसे ये चारों अहदीस का तर्जमा और चारों दुआओं का तर्जमा सुनूंगी. अभी आपने क्या करना है कि इनको याद करना शुरू करना है साथ के साथ. ठीक हो गया. अब आप लोगों में से अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है अपने पीछे वाले काम से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. जी बेटे. जी ईमान. टीचर आप सिर्फ तर्जमा सुनेंगे या दुआएं भी सुनेंगे? बेटे अरबी टेक्स्ट जो है ना दुआओं का, उसका तो आपको अरबी टेक्स्ट याद करना पड़ेगा दुआओं का. और अहदीस का? अहदीस का नहीं करना होता, अहदीस का सिर्फ तर्जमा याद करना होता. ठीक है, चले. फातिमा रहमान शाह जी. जी फातिमा. फातिमा रहमान शाह. जी बेटे. बेटे टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी पूछे. जी फातिमा इरफान आप पूछे बेटे. यस टीचर, वो मैंने पूछना था पेज नंबर 36 पे आ जाएं प्लीज. पेज नंबर 36 पे. यस जी बिल्कुल. जी टीचर, इसका फिफ्थ सवाल, अल बाईसु जल्ला जलालहु कैसी कुदरत वाला है? अल बाईसु नहीं माफ हुआ ये वाला. ये आपने हमें सेंड किए थे ना, ये आपने उसमें भेजा नहीं था ये वाला, तो ये मैंने खुद से कर लिया है. ऐसा नहीं हो सकता, मैंने दोबारा मार्क भी तो करवाए. अच्छा मेरी बात सुने ना. नहीं टीचर, वो पुराने चैप्टर के कराए, अल फताहु से पुराने वाले. अच्छा जब के जब हम अब हम कल इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, तो उसमें हमने अब यही करना है कि हम पहले अस्माए हुस्ना वाले जो तीन चैप्टर पीछे गुजरे है ना, उनको मैं रिपीट कर दूंगी आप लोगों के लिए उसके क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि हम जो है वो देख लेंगे, कोई काम पीछे रह ना जाए हमारा. ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. ओके हो गया. यस टीचर, बस मैंने यही बताना था, मैंने खुद कर लिया. थैंक यू फातिमा, थैंक यू. ओके बेटा. जी जी ईमान. टीचर आपने इसके टोटल 7 क्वेश्चंस भेजे थे इसी चैप्टर के, तो मैंने वो 7 कॉपी में किए हुए हैं. 7 किए हुए हैं, तो जरा उनको बुक से टैली कीजिएगा. ओके ओके चलें. और किसी ने कुछ पूछना है? चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक आपको जो ये काम दिया है आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह से. कॉपीज आपने सबमिट करवा दी होंगी स्कूल. जी उमायमा. जी उमायमा. टीचर हमने कभी कॉपी तो कल सबमिट करानी है ना वेनेसडे को, तो जब हम कॉपी हम सबमिट कराएंगे स्कूल में, तो ये वाला जो भी आपने काम करवाया ये करना है कॉपी पे?